हे गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने कुछ स्टेप्स के बारे में बात किया, आज जो रेस्ट स्टेप्स बच गया था वो आज रेस्ट स्टेप इसमें कवर अप करने वाले हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। सो मैंने स्टेप्स तो बताया था लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है कि स्टेप वाइज ही काम किया जाए। तो देखो, सबसे पहली बात, ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है? पहला कि आप जब काम करोगे तो आपको एक सर्टेन अंदाज़ा लगता चला जाएगा कि आपका खर्च कितना जा रहा है और आपको क्या क्या आगे करना चाहिए, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेट कर सकते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, ब्रिक वर्क हो गया। ब्रिक वर्क करने के बाद, ठीक है, अपने स्टेयर कास्टिंग वगैरह हो गया, उसके बाद आपने ऑलमोस्ट फिटिंग किया वहाँ पे, ठीक है। बट क्या है, अगर आप वहाँ पे वो फिटिंग को छोड़कर उसके बाद आप उस पर समोसन किया और अपने पेंट किया, पेंट करने के बाद फिटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो, तो आज की डेट पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं किया जाता है, उसको अंदर रखते हैं, ब्रिक काट के उसके अंदर फिटिंग करते हैं। बट अगर आपने पहले बाद में किया तो क्या हुआ, आपका पेंट ख़राब होगा, फिर ब्रिक वर्क का काम होगा, गंदा होगा सारा चीज़। तो उससे क्या हुआ कि आपका नुकसान हुआ, आपका वक्त भी गया। इसलिए ज़रूरी है कि स्टेप्स को फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। तो पहला था, हमने लैंड सर्वे देखा, सबसे पहले लैंड सर्वे करना है। दूसरा है, साइट इंजीनियर से ड्राफ्टिंग करवानी है। तीसरा, वहाँ पे स्केवेशन करना है। स्केवेशन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे पीसीसी करते हैं, या पीसीसी वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन करने के बाद जो सॉइल जो हमने निकाला था फाउंडेशन के लिए, स्केवेशन किया था, और जो सॉइल जो एरिया बच जाता है फिर उसमें बैकफिलिंग करते हैं। बैकफिलिंग करने के बाद क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे प्लेन बीम प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़रूरी है कि उसके बाद हमें डीपीसी देना है तो दो तीन लेयर्स ब्रिक वर्क करने के बाद फिर वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, और डीपीसी प्रोवाइड करने के बाद फिर कॉलम कास्टिंग होता है, और कॉलम कास्टिंग के बाद ब्रिक वर्क होता है। ये था लैंड सर्वे से लेकर ब्रिक वर्क के स्टेप्स। अब इसके बाद जो आगे के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाए तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टेयर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। अपना स्टेयर का शटरिंग करो और फिर उसके बाद स्टेयर, जो भी आपका स्टेयर है, जो भी डिज़ाइन है, आप उसके हिसाब से स्टेयर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जैसे स्टेयर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आप उसके बाद क्या करोगे, लिंटल प्रोवाइड करोगे। लिंटल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जनरली लिंटल प्रोवाइड किया जाता है 7 फीट पे। अगर आपका 10 फीट का घर है तो 7 फीट, एक्चुअली ये 7 फीट क्या है, हम लोग डोर साइज़ के ऊपर, जैसे डोर जो हमारा है, जो भी उसका लेंथ है, उसके ऊपर हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो डोर का जो हाइट होता है वो होता है 60 फीट, तो जो डोर और विंडो होगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे। लिंटल कंप्लीट होने के बाद आपका ब्रिक वर्क होता है वहाँ पे, और ब्रिक वर्क मतलब 7 फीट पर लिंटल प्रोवाइड किया, उसके बाद रेस्ट मान लो हमारा 10 फीट का है, तो फिर हम लोग वहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं। और जैसे ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपर फ्लोर का जो फाइनल टच है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। लाइक आपने बीम दिया, अब बीम देने के बाद हम लोग वहाँ पे स्लैब कास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और फिर जैसे अपर फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, इफ़ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे फिर हम लोग पैरापेट वॉल देते हैं, ठीक है। अपर फ्लोर का जो बीम और स्लैब कास्टिंग कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि पहले तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपका पेंटिंग वेंटिंग करने के बाद भी आप कर सकते थे, क्योंकि वो दीवार के ऊपर में होता था, वो एक्सपोज होता था। बट आज के डेट पे क्या है कि वो उसको एक्सपोज नहीं करते, उसको अंदर फिट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी विट है उसके हिसाब से ब्रिक को कट किया, और उसके अंदर अंदर सारा काम होता है। इलेक्ट्रिकल का भी काम वैसे ही होता है, प्लम्बिंग का भी काम होता है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको अच्छे से समोसन करके फिर उसके बाद पुट्टी पेंट जो भी करना है, उससे क्या होता है कि ये सारा चीज़ अंदर चला जाता है और आपका घर का जो खूबसूरती है, आपका वॉल का जो खूबसूरती है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो हमें फिर उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग करनी है, ब्रिक को काट कर, और आपको जो भी पाइपलाइन बिठाना है वो सब अंदर अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल का वर्क जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं प्लम्बिंग वर्क के लिए। आपको जितने भी आउटलेट इनलेट पाइप फिटिंग कर रहे हैं, आप उसी तरह ब्रिक कट करके, आपको जहाँ जहाँ पे भी आउटलेट और इनलेट रखना है आप वहाँ पे ब्रिक वर्क करके, ब्रिक को कट करके आप सारे पाइप का जो फिटिंग है वो पूरे घर पे कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि सैनिटरी आइटम उस वक्त ना करें। आपका प्लम्बिंग वर्क कंप्लीट जैसे हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉल की प्लास्टरिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा जो चीज़ जो एक्सपोज हो रहा था वो आपका सब अंदर चला जाएगा, वो छिप जाएगा।
प्लास्टरिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, टाइल वर्क करते हैं। आज के डेट पे क्या है कि हम लोग फ्लोर पे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी टाइल वर्क करना है तो आप प्लास्टरिंग कंप्लीट करोगे, प्लास्टरिंग करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने घर पर टाइल वर्क शुरू कर सकते हो। टाइल वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्लास्टरिंग किया उसके ऊपर हम लोग पुट्टी डालते हैं। पुट्टी डाल के पेंट से क्या होता है कि आपका जो वॉल का जो डिज़ाइन है और जो ब्राइटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अच्छे से वहाँ पे पुट्टी करवाओ वॉल की, और पुट्टी करवाने के बाद उसमें आपका जो भी शौक है, जो भी आपका फेवरेट कलर है, आप उस फेवरेट कलर को अपने घर पे दे सकते हो। तो टाइल वर्क के बाद आप पुट्टी करोगे वहाँ पे। अब पुट्टी कंप्लीट हो जाने के बाद पेंट वर्क जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग वहाँ पे लकड़ी का काम शुरू कर सकते हैं, वुड वर्क और फिक्चर्स फिटिंग। लाइक जो अपने डोर के लिए जो स्पेस छोड़ा होगा, जो विंडो के लिए स्पेस छोड़ा होगा, तो वहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, वुडन फ्रेम जो है वो सारा सारा फ्रेम जो है वो सारा फिट करना शुरू कर देंगे। डोर फ्रेम जो है आपका, डोर जो है आपका, विंडो है, तो ये सारा फ्रेमवर्क आपको पेंट और पुट्टी के बाद अपना लकड़ी का काम आप शुरू कर सकते हो। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपका सैनिटरी आइटम है और आपका जो हार्डवेयर फिटिंग है आप उसको शुरू करोगे। हार्डवेयर फिटिंग हो गया कि आपने जितने भी लॉक, अपने जितने भी डोर पे और विंडोज़ पे लॉक्स देने हैं, जैक्स प्रोवाइड करने हैं या स्टॉपर देना है, तो ये सारा काम आप, ये सारा लकड़ी का काम हो जाने के बाद फिर आप ये फिटिंग का काम अपना शुरू कर सकते हो। तो ये था हमारा डिफरेंट स्टेप लैंड सर्वे से लेकर हार्डवेयर फिटिंग तक। और ये सारा एक एक जो स्टेप है आप कोशिश करें कि उसी स्टेप में आप सबको फॉलो करें, और अगर आप स्टेप में फॉलो करोगे तो आप इकोनॉमिकली भी आप सेफ़ रहोगे और आपका जो वक्त है और आपका जो पैसा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।